apa sih apa sebelah kita lepas. Thank you so much, thank you. फिर बताना चाहेंगे किस फिल्म के लिए शूट करने आई हैं? ये फिल्म है टाइगर अभी जिंदा है, मरकर मरकर की जिंदा है, तो उसका शूट चल रहा है आज. मेरा क्लाइमेक्स है आज, क्योंकि मैं मरने वाली. टाइगर भी जिंदा है पर मैं मरने वाली हूँ फिल्म में आज. बहुत दुख हो रहा है, आप मरने वाली हो, ऐसा मत करो. नहीं, मेरे मरने के बाद दर्शकों को दुख होता है, उस दुख से मुझे खुशी मिलती है कि दर्शक मुझे इतना प्यार करते हैं मरने के बाद भी. बताना चाहेंगे इसमें जो हीरो, इसका डबल रोल है. तो फर्स्ट जो हीरो होता है, हमारी लव स्टोरी चलती है, और इस फिल्म में पूरा तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बट हीरो की, हीरो और मैं दोनों की शायद मर जाते हैं दोनों, फिर हीरो का पुनर्जन्म होता है, कुछ ऐसी स्टोरी है, पूरा नहीं बता सकती. बहुत ही अच्छा, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं शुरुआत में काफ़ी अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है, और बहुत अच्छा लगा. उनके जो हीरो हैं, नए नए अभी, उनके मेरे बहुत ज़्यादा सीन हुए नहीं हैं, बट बहुत कॉन्फिडेंस लगते हैं, हाइट काफ़ी अच्छी है उनकी, और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं. ऐसा लग नहीं रहा उनकी फर्स्ट फिल्म है. कॉन्फिडेंस है और लर्निंग है, बहुत चीज़ें सीखते हैं, और हंसमुख है, बिल्कुल लाइटली हम लोगों को शूट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है. आपकी और कौन सी फिल्म है? मेरी एक मराठी फिल्म है सावी, जो भी मैंने शूट कम्प्लीट किया है, मे बी फेब में रिलीज हो. और भोजपुरी में तो ये मेरी, अभी मैं 18 में कुछ ज़्यादा किया नहीं, तो 18 के जाते जाते ये मेरी भोजपुरी की यही फिल्म है टाइगर अभी जिंदा है, और मराठी की फिल्म आ रही है सावी. और अभी आपकी जो फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई लोहा प्रमाण, क्या कहना चाहेंगे? खुश हूँ मैं, दर्शकों का प्यार मिला और दर्शकों ने पसंद हो गया, बस हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए आभार है. संजय जी, अच्छा आज रवि सिन्हा जी की फिल्म है, रवि सिन्हा जी को बताइए. रवि जी की फिल्म है, रवि सिन्हा जी के बारे में मैं क्या बताऊँ, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, काफ़ी सीनियर डायरेक्टर है. जब वो कब से इंडस्ट्री में है, मैं आई नहीं थी तब से उनका नाम सुना है, तो उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है. काफ़ी अच्छे सुलझे हुए डायरेक्टर है, और नई नई चीज़ें करते हैं, नए तरीके से शूट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है. मूवी में तीन हीरोइन नज़र आती है, अंजना जी हैं, पूनम जी हैं, आप हैं, आपको कंपटीशन फिल्म में है? मेरा कंपटीशन मुझसे ही है, शुरू से लेकर अभी तक खुद से ही कॉम्पिटिशन. मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि मेरे सीन मेरा जो सीन है सिर्फ हीरो के साथ ही है, और हमारी स्टोरी चलती है. मेरे मरने के बाद और दूसरे हीरोइनों की एंट्री होती है, तो कंपटीशन जैसा कुछ है नहीं, उनके सीन अलग है, मेरे अलग है. आज हम लोग चाइना क्रीक में हीरो हीरोइन डायरेक्टर पर सबका इंटरव्यू करने के लिए हैं, तो हीरो का पहला इंटरव्यू रहा, बहुत लंबा है. हाँ, तो आप कंफर्ट हो रही हैं उनके साथ शूट करने के लिए? बहुत कंफर्ट हो रही है, इतने लंबे हैं, उनका इंटरव्यू भी लंबा है, सब लंबा लंबा जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है. उनकी लंबाई के बड़े चर्चे हो रहे हैं. फिल्म अभी लगता है बॉक्स ऑफिस बहुत लंबी तक चलेगी, फिंगर क्रॉस ऐसा हो. लंबे हीरो, लंबी लंबा इंटरव्यू, लंबी फिल्म, लंबी कास्ट, सब लंबा है. पांच जी आपके ऊपर कितने गाने हैं, और किसने डांस मास्टर थोड़ा डांस मास्टर आरडी रामदेवन है. अभी मेरे गाने कोई हुए नहीं है, दो गाने हैं शायद मेरे. और फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? मेरा किरदार बहुत नॉर्मल सा है, प्यार में पड़ जाती है, मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर है, और प्यार में पड़ जाती है. वही जातिवाद के चक्कर में मेरे जो विलन भाई होते हैं, वो हमें और मेरे और मेरे प्यार, मेरे लंबे हीरो को मार देते हैं, उसके बाद की कहानी है ये. मराठी और भोजपुरी की बात करते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में काम करने में एक्सपीरियंस किस तरह अलग अलग देखते हैं आप अपने मायने में? दोनों ही सेम है, दोनों ही अच्छी इंडस्ट्री है, बराबर ही देखती हूँ मैं दोनों फिल्में. भाषा का बस अंतर है, थोड़ी मुझे दिक्कत होती है मराठी में, क्योंकि मैं मुझे मराठी आती नहीं है, लेकिन सेम ही है, अच्छा है दोनों का. आज मैम भोजपुरी अवार्ड समारोह हो रहा, कुछ कहेंगी? अच्छा, भोजपुरी अवार्ड शो को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं क्या बोलूँगी. सही बात है, चलो थैंक यू.